गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जीके फॉर क्लास थर्ड. सो दिस इज योर बुक. एवरीवन टेक आउट योर बुक. एक्टिव जनरल नॉलेज. Take out your books, everyone. And open your chapter. Today is your chapter. Chapter number 5. Chapter number 5. Amazing Plants Fact. Chapter number 5, Amazing Plant Facts. अद्भुत पौधे तत्व, मतलब अद्भुत पौधों के बारे में कुछ तथ्य कहा गया है, मतलब कुछ बोला गया है, कुछ बताया गया है कि जो पौधे होते हैं विचित्र प्रकार के, उनके बारे में कुछ बोला गया है जिन्हें हम कभी नहीं देखे हैं और बस जिनके बारे में थोड़ा बहुत सुने हैं. कभी कभार कहीं जंगलों में अगर देखने को मिल जाता है तो मिल जाता है, अधिकांशतः नहीं मिलता है. तो उन्हीं पौधों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आप लोग चैप्टर नंबर 5 अमेजिंग प्लांट फैक्ट ओपन कीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां आप लोग ने इंजॉय की है. अब छुट्टियों के बाद फिर से हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स विथ स्ट्रेंज एंड अमेजिंग क्वालिटीज. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स विथ स्ट्रेंज एंड अमेजिंग क्वालिटीज. दुनिया अजीबोगरीब और अद्भुत गुणों वाले तरह तरह के पौधों से भरी पड़ी है. मतलब क्या है, दुनिया में बहुत सारे अजीबोगरीब और अद्भुत प्रकार के कई तरह के पौधे मिलते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और कुछ के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं. तो इस चैप्टर में यही बता रहा है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स विथ स्ट्रेंज एंड एनी अमेजिंग क्वालिटीज. दुनिया अजीबोगरीब और अद्भुत गुणों वाले तरह तरह के पौधों से भरी पड़ी है. You must be seen a few of these plants. You must have seen a few of these plants. अपने क्या है, आपने इनमें से कुछ पौधों को देखा होगा. You must have seen a few of these plants. आपने इनमें से कुछ पौधों को देखा होगा. जैसा कि अभी मैं आपको पहले बताया कि कुछ पौधों का, आप जो ये अद्भुत पौधे हैं इनको आपने कभी देखा होगा और कुछ को नहीं देखा होगा. लेट अस नो अ फ्यू अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स. लेट्स अस नो अ फ्यू अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स. कुछ दिलचस्प पौधों के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य. ठीक है, इसमें हम लोग कुछ दिलचस्प पौधे हैं इनके बारे में बहुत आश्चर्यजनक तथ्य है. इस चैप्टर में हम लोग उसको समझेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तभी हम लोग को वो सारी चीज़ें समझ में आएगी. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. एक बार फिर से देख लिए. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट विथ स्ट्रेंज एंड अमेजिंग क्वालिटीज. दुनिया अजीबोगरीब और अद्भुत गुणों वाले तरह तरह के पौधों से भरी हुई है. यू मस्ट हैव सीन अ फ्यू ऑफ दीज प्लांट्स, इसमें से आपने कुछ को देखा होगा. लेट अस नो अ फ्यू अमेजिंग फैक्ट अबाउट सम इंटरेस्टिंग प्लांट्स. कुछ दिलचस्प पौधों के बारे में कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं. फर्स्ट क्या है, देखिए, दिस प्लांट हैज़ अ पिचर शेप्ड स्ट्रक्चर विथ अ लिड.
दिस प्लांट हैज़ अ पिचर शेप्ड स्ट्रक्चर विथ अ लिड। इस पौधे में ढक्कन के साथ घड़े के आकार की संरचना होती है। देखिए अब ये देखिए इसकी लीव्स है, इस लीव्स ये ढक्कन हो जाता है, देखिए घड़े के आकार की संरचना हो जाती है। ठीक है, वही बोला है कि दिस प्लांट हैज़ अ पिचर शेप्ड स्ट्रक्चर विथ अ लिड। इस पौधे में ढक्कन के साथ घड़े के आकार की संरचना होती है। द लिड शट्स व्हेन एनी इंसेक्ट्स कम्स इनसाइड द पिचर एंड द प्लांट ईट्स द इंसेक्ट। द लिड शट्स व्हेन एनी इंसेक्ट्स कम इनसाइड द पिचर एंड द प्लांट ईट्स द इंसेक्ट। जब कोई कीट घड़े के अंदर आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है। मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े जब इस घड़े के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो जो इसका ढक्कन है या ये जो कैप है, जो लिड है, ये अपने आप बंद हो जाती है। दिस इज पिचर प्लांट, यह पिचर प्लांट है। ठीक है, मतलब जब कोई कीट इस घड़े के अंदर आने के लिए मतलब अंदर आता है तो ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और पौधा कीट को खा जाता है। ठीक है, पौधा कीट को खा जाता है, जब भी ढक्कन बंद हो जाएगा तो पौधा कीट को खा जाता है। यह पिचर प्लांट है, इसको पिचर प्लांट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कैक्टस प्लांट ग्रो इन डेजर्ट्स। द कैक्टस प्लांट ग्रो इन डेजर्ट, जो कैक्टस का पौधा होता है वो रेगिस्तान में बढ़ता है, रेगिस्तान में ग्रो करता है। कैक्टस का पौधा डेजर्ट में क्या होता है, मरुस्थल में उगता है। इट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। इट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। इट लीव्स आर मॉडिफाइड इंटू स्पाइन, इसकी पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड वर्क्स लाइक अ लीव। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड वर्क्स लाइक अ लीव। तना पानी जमा करता है और पत्ते की तरह काम करता है। जो इसकी पत्तियाँ जब कांटों में बदल जाती हैं तो तना ही है क्या होता है, पत्तियाँ भोजन होती है ना पौधों का, तो जो इसका जो तना है वो पानी को क्या करता है, पानी जमा करता है और पत्ते की तरह काम करता है और पौधों में देता है। पौधे क्या करते हैं, पौधों के लिए पत्ते क्या किचन होती है, तो पत्तियाँ जो होती हैं भोजन तैयार करती हैं। लेकिन इसकी जो पत्तियाँ हैं उसके क्या होता है, कांटों में जब बदल जाती हैं तो तना पत्तियों का काम करता है। द वीनस फ्लाई ट्रैप इज ऑल्सो एन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। द वीनस फ्लाई ट्रैप इज ऑल्सो एन इंसेक्ट ईटिंग प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक कीट खाने वाला पौधा है। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक कीट खाने वाला पौधा है। इट हैज टू हैंग्ड लीव्स विच क्विकली शट एंड ट्रैप एनी इंसेक्ट दैट सिट्स ऑन द लीव्स। इट हैज टू हैंग्ड, इसमें दो टिका हुआ पत्ते होते हैं। इट हैज टू हैंग्ड लीव्स, इसमें दो हैंग मींस दो टिका हुआ पत्ते होते हैं, मतलब एक ही में दो पत्ते होते हैं। विच क्विकली शट एंड ट्रैप एनी इंसेक्ट दैट सिट्स ऑन द लीव्स। विच क्विकली शट एंड ट्रैप एनी इंसेक्ट दैट सिट्स ऑन द लीव्स। जो पत्तियों पर बैठे किसी भी कीट को जल्दी से बंद कर देते हैं। एक बार फिर से देखिए इसको। इट हैज टू हैंग लीव्स
विच क्विकली शट एंड ट्रैप एनी इंसेक्ट दैट सिट ऑन दी लीव्स। इसमें दो टिका हुआ पत्ते होते हैं जो पत्तियों पर बैठे किसी भी कीट को जल्दी से बंद कर देते हैं। द लीव्स हैव फाइन हेयर्स विच सेंस इंसेक्ट्स। द लीव्स हैव फाइन हेयर्स विच सेंस इंसेक्ट्स। पत्तियों में महीन बाल होते हैं। पत्तियों में महीन बाल होते हैं जो कीड़ों को महसूस करते हैं। जो इन पत्तियों में क्या होते हैं, इन पत्तियों में बहुत मतलब महीन बाल, बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं जो अगर कोई कीट इस पे बैठ जाता है तो उसको महसूस करते हैं कि हाँ मेरे मतलब मेरे ऊपर कोई कीट, कोई कीड़े मकोड़े बैठे हैं। नेक्स्ट है बाओबाब इज आल्सो नोन एज द बॉटल ट्री। बाओबाब इज आल्सो नोन एज द बॉटल ट्री। बाओबा को बॉटल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। बाओबा को बॉटल ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दे लुक लाइक अ बॉटल्स। दे लुक लाइक अ बॉटल्स। ये एक बोतल की तरह दिखते हैं। जो ये पेड़ होता है, एक बॉटल, बॉटल जो आप लोग नॉर्मल बॉटल होता है, वाटर बॉटल, उसकी तरह ये पेड़ दिखता है। वन ट्री कैन स्टोर अराउंड 300 लीटर्स ऑफ वाटर। दे ऑफ्टन लीव ओवर 500 ईयर्स। वन ट्री कैन स्टोर अराउंड 300 लीटर्स ऑफ वाटर। दे ऑफ्टन लीव ओवर 500 ईयर्स। यह एक पेड़ मतलब एक पेड़ लगभग 300 लीटर पानी स्टोर कर सकता है। ये जो पेड़ है, ये बाओबा ट्री, ये 300 लीटर पानी जमा कर सकता है। वे अक्सर 500 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, ये 300 लीटर पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है और इस ये जो इसकी लाइफ होती है 500 वर्ष से भी अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। रेफ्लेशिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इट ब्लूम्स वंस इन 9 months। इट ब्लूम्स वंस इन 9 months एंड कैन वे अप टू 10 kilograms। इट ब्लूम्स वंस इन 9 months एंड कैन वे अप टू 10 kilograms। यह 9 महीने में एक बार खिलता है और इसका वजन 10 किलो तक हो जाता है। मतलब ये जो फ्लावर है, रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, ये 9 महीने में सिर्फ एक बार खिलता है और इसका वजन कितना होता है, इसका वजन 10 किलोग्राम होता है। द फ्लावर हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रोटिंग मीट। द फ्लावर्स हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रोटिंग मीट। फूल में सड़ते हुए मांस की बहुत तीज गंध आती है। मीट, मीट बोल रहा है ना, देखिए MEAT मीट मतलब मांस होता है। जो मांस होता है वो सड़ जाता है, जो सड़ने के बाद उसकी जो स्मेल आती है, बहुत गंदी सी स्मेल जो आती है, उस तरह की इस फ्लावर की स्मेल होती है। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द टच मी नॉट प्लांट। दिस इज द टच मी नॉट प्लांट या टच मी नॉट प्लांट है। This is the touch me not plant या touch me not plant है। Its leaves fold inward and sag when touched, protecting itself from any harm. Its leaves fold inwards and sag when touched, protecting itself from any harm. इसकी पत्तियाँ 6 अंदर की ओर मुड़ी होती हैं। मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं वो अंदर की ओर मुड़ी होती हैं
और छूने पर झड़ जाती हैं, और उसको छुए जाएगा तो वो झड़ जाएंगे। अब लोग छुई मुई का पेड़ सुने हैं ना, ये वही छुई मुई का पेड़ है। जिससे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है, इसकी जो पत्तियां हैं उसको छूने पे झड़ जाती हैं और झड़ने से उसकी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। द लीव्स रीओपन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। जो लीव उसकी पत्तियां होती हैं फिर से वो ओपन हो जाती हैं, खुल। आप उसको छूइए तो देखिए वो सिकुड़ जाता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए तो 2-4 मिनट बाद वो फिर से अपने आप खिल जाता है। तो वही उस प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, मतलब छुई मुई का पौधा ही वो होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी बुक में क्या होती है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नेम वीनस फ्लाई ट्रैप रिफर्स टू वीनस द रोमन गोडेस ऑफ लव एंड प्लांट लाइफ। द नेम वीनस फ्लाई ट्रैप रिफर्स टू वीनस द रोमन रोमन गोडेस ऑफ लव एंड प्लांट लाइफ। विंड्स फ्लाई ट्रैप का, फ्लाई ट्रैप नाम का अर्थ रोमन देवी वीनस से है, प्यार और पौधे के जीवन का। मतलब इसका संबंध किससे है, जो फ्लाई ट्रैप आपका पौधा है इसका संबंध प्यार और, मतलब प्यार और पौधे के जीवन से है, ठीक है। लव एंड प्लांट लाइफ पौधे के जीवन से है, मतलब ये प्यार करने के लिए पौधे के, इसलिए इसका नाम फ्लाई ट्रैप रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 5 फिनिश होता है, एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग को हम PDF के थ्रू बता देंगे कि नोटबुक में आपको कैसे नोट करना है। तब तक इसको पढ़िए और समझिए। सो थैंक यू सो मच।